हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ द एपिक ट्री सीरीज सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काउंट नंबर ऑफ नोट्स इन अ बाइंडी ट्री एक्चुअली हम यहाँ पे कंप्लीट ट्री की बात करेंगे मतलब कि ये कंप्लीट ट्री में कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि बाइंड्री ट्री और कंप्लीट ट्री में फाइंड करने में छोटा सा डिफरेंस होता है ओके सो दिस विल बी अ वेरी इंसाइटफुल वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो और पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी जाके चेकआउट कर लो सो so, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर क्वेश्चन so है कि यू आर गिवन द रूट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी यहाँ यहां इन्होंने लिखा है कंप्लीट योर टास्क इज टू फाइंड दी काउंट ऑफ नोड्स ओके अ कंप्लीट ट्री इज अ ट्री हुज ऑल लेवल्स एक्सेप्ट द लास्ट वन आर कंप्लीटली फिल्ड द लास्ट लेवल मे और मे नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड एंड द नोट इन द लास्ट लेवल आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल ओके डिजाइन एन एल रन्स बेटर बिग गो ऑफ एन सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है अब इसे थोड़ा सा डिपिक करते हैं देखते हैं क्वेश्चन कह है, कह रहा है ओके okay, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय कम्पलीट बाइंड्री की पिक्चर बनी हुई है कंप्लीट ट्री मीन्स जिसके सारे लेवल्स फिल होते हैं जैसे रूट नोड है इसके एटमैक्स कितने चाइल्ड हो सकते थे बाइंड्रट्री केस में दो चाइल्ड ना दोनों है देखो टेन एंड थर्टी देन टेन के भी दो हैं थर्टी के भी दो हैं और जो भी लीफ नोट हैं ठीक है लीफ नोट हैं वो सारी क्या हैं सेम लेवल पे हैं ठीक है ठीके? ये डेफिनीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी अभी बस इसको समझ रहे हैं कि कंप्लीट बाइनेटरी होता क्या एक छोटा सा ओवरव्यू या आप कह सकते हो रिकैप ठीक है कि हमने पहले क्या समझा था सो दिस इज दी ट्री अब मान लो अगर इसमें से कुछ नोट डिलीट भी होनी होती ठीक है तो मैं 35 को कर देता तो भी ये कंप्लीट ही रहता क्यों क्योंकि अभी आप देखो लेफ्ट साइड से अगर आप देखो ठीक है इस तरफ से ही फिल्ड है ठीक है ऐसा अगर मैं करता है ऐसा समथिंग लाइक दिस में फाइव को उड़ा देता ठीक है तो आप देखो यहाँ पे अब ये कम्प्लीट बाइंडेट्री नहीं रह गया क्यों क्योंकि बीच में गैप आ गया हमारे पास एक चाइल्ड है ट्वेंटी फाइव इसका चाइल्ड होता है देन फिर से ठीक था हम लेफ्ट साइड से भर रहे थे बट यहाँ पे एक स्किप हो गया तो आप स्किप नहीं कर सकते लास्ट लेवल में भी ओके एनी सो ये डेफिनेशन थी कम्प्लीट बाइंडट्री की वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे तो जैसे ये था क्वेश्चन अब अगर आपको इसमें फाइंड करना है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी होने वाली है बड़ा सिंपल हमने जैसे लास्ट वीडियो में डेप्थ निकाला था हम सिंपल उसी लॉजिक को यहाँ यूज कर सकते हैं डेप्थ में हमने कहा था भाई मैक्सिमम ले लो इधर हम कह रहे हैं भाई सम ही ले लो मतलब मैं इस नोड पे आऊँगा ठीक है इस टॉप नोड पे आऊँगा और मैं कहूँगा यार कि इस तरफ जितनी भी नोड है प्लस इस तरफ जितनी भी नोड है प्लस वन वन किस लिए इस वाली के लिए यही तो होगा इसका आंसर क्या होगा लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस लेट्स ट्राई टू दिसवर्स इट मैंने कहा यार ये रही मेरी रूट वन प्लस लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट मतलब राइट साइड में कितने नोड्स हैं अब कॉल रिकर्जन कॉल पहले यहां पे जाएगी तो हम लेफ्ट साइड पे आ गए अब ये भी कहेगा यार वन प्लस मेरी लेफ्ट हाइट ठीक है प्लस मेरी राइट हाइट तो इसे मैं ऐसे लिखता हूं डैश लगा कर इससे हम इसे फिल कर लेंगे प्लस राइट right हाइट अब हमने लेफ्ट हाइट पे हम फिर से गए ठीक है लेफ्ट हाइट पे फिर से गए तो 15 मिला अब 15 भी सेम डायलॉग मारेगा इसे उड़ा देते हैं वन प्लस लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट अब यहां पे लेफ्ट हाइड देखो जैसे ही आप लेफ्ट मूव करोगे यूल फाइंड अ नल हियर जैसे आपको यहां नल मिला इसका मतलब रिटर्न जीरो देर आर नो नोट्स ठीक है अब ये राइट साइड में जाएगा तो राइट right साइड में गए हमें फिर से नल मिला दैट मीन्स यहां से भी जीरो रिटर्न होगा देयर आर नो नोट्स तो वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज वन यानी कि आपके फिफ्टीन ने रिटर्न किया टेन को कि भाई टेन तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नोड है ठीक है अब ये कॉल भेजेगा अपनी राइट right साइड पे तो कॉल आई यहाँ पे अब फाइव भी कहेगा मैं ढूंढ के बताता हूँ हाइड लेफ्ट दूसरी राइट right लेफ्ट पे कॉल गई अब नल मिला फिर से जीरो अब राइट right पे कॉल जाएगी फिर से नल मिला फिर से जीरो। तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो तो यह क्या रिटर्न करेंगे ये भी आपको वन रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे भी वन आ गया सो वन प्लस वन प्लस वन इज थ्री तो इसने टेन ने कहा कि ये ले भाई थ्री यानी कि ट्वेंटी की लेफ्ट साइड में तीन नोड होने वाले अब कॉल कहाँ जाएगी राइट हैंड साइड में बहुत सही यार आप तो एक्सपर्ट हो गए लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड सो ये है लेफ्ट कॉल ये है राइट right कॉल चलते हैं लेफ्ट की तरफ ओके लेफ्ट कॉल की तरफ चलते हैं ये रहा लेफ्ट कॉल ट्वेंटी फाइव पे है अब ट्वेंटी फाइव क्या बोलेगा वन प्लस लेफ्ट प्लस राइट ठीक है इसने लेफ्ट कॉल भेजी पहले नल मिला क्या रिटर्न करोगे जीरो राइट कॉल भेजी फिर से क्या मिला नल मिला क्या रिटर्न करोगे जीरो ये नंबर क्या डिपिक कर रहा है कितनी नोट्स है नीचे तो जीरो ज़ीरो वन प्लस जीरो प्लस ज़ीरो इज वन तो लेफ्ट हाइट का आंसर हो गया वन आप देखो थर्टी के लेफ्ट पे एक ही नोट है ना ग्रेट राइट right पे चलते हैं क्योंकि अब लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई लेट्स मूव ऑन टू दी राइट थर्टी मिला थर्टी भी कहेगा भाई मेरे नीचे वाले से पूछ लो प्लस वन कर देना तो हम आए लेफ्ट कॉल ली हमने हमें मिला नल राइट right कॉल ली इधर भी मिला नल दोनों रिटर्न करेंगे जीरो तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो इज वन तो यहां पे आ गया वन सो दिस कंबाइंड वुड बी थ्री ठीक है तो अब इसे मिल गया थ्री तो यहां पे भी आ गया थ्री सो वन प्लस थ्री प्लस थ्री इज सेवन टोटल नोट हमें कितने मिले सेवन नोट ग्रेट अगर आपको कोई भी ट्री मिले कंप्लीट हो इनकंप्लीट हो ये हमेशा टेक्निक वर्क करेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन ठीक है हाउ यू कैन सॉल्व इट मैं आपको कोड नहीं करके दिखाऊंगा मैं आपको रिफरेंस लिख देता हूँ आप यहाँ पे फंक्शन बनाओगे कुछ भी ठीक है देन यहाँ पे अपना नोट एंड देन रूट पास कर लेना ठीक है फिर यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखते हैं हम बेस केस वॉट इज द बेस केस रिकर्जन में हमेशा फर्स्ट थिंग इज बेस केस सो इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स नल ठीक है जैसे ही रूट आपकी नल होती है रिटर्न जीरो ठीक है ये आपने कर दिया अपने इफ का काम खत्म बेस केस हमने कंप्लीट कर लिया व्हाट हैपन्स आफ्टर बेस केस अब आपको यहाँ पे कॉल्स भेजनी है तो आप कहोगे इंट लेफ्ट नोड्स एल नोड्स ठीक है ये क्या हो जाएगा रिकर्जन कॉल भेज दो एफ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट ठीक है ये लेफ्ट की निकाल के लेगा देन इंट राइट नोड्स कितनी हो गई राइट नोड क्या हो गई एफ ऑफ रूट डॉट राइट ठीक है एंड फाइनली वेन यू है राइट नोट भी तो आंसर क्या होगा रिटर्न लेफ्ट लेफ्ट साइड नोट प्लस राइट साइड नोड सो दिस इज योर आंसर डन ठीक है सो so ये आपकी लेफ्ट हाइड लेके आएगा देन ये आपकी राइट हाइड लेके आएगा एंड फाइनली आप रिटर्न कर दोगे वन प्लस लेफ्ट प्लस राइट ठीक हैल्यूशन ग्रेट लेकिन यहाँ पे अगेन uh, अब मुझे इसे फीजिबल तरीके से करना है क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में ज़रा सा भी बित्ती भर भी ध्यान दिया हो तो वहां लिखा था कि यू हैव टू डू बेटर देन ओ ऑफ एन ठीक है अब हम इसे बेटर कैसे कर सकते हैं देखो अगर मैं लेवल ऑर्डर रिवर्सल भी लगाऊं तो भी मुझे हर लेवल को ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा स्टिल द मीन्स इक्वेशन फिर भी बिग ऑफ एन ही जा रही है बिग ऑफ एन से बेटर हम नहीं कर सकते है. चाहे हम लेवल ऑर्डर करें चाहे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कर लें सो यहाँ पे कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा चलो ना हाउ टू ऑप्टिमाइज इट ऑप्टिमाइजेशन uh, पार्ट काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी सिंपल भी है एक्चुअली ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्री कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स होती हैं वो एक फॉर्मूले से निकाली जा सकती है टू टू दी पावर एच माइनस वन ठीक है जैसे यहाँ पर इसकी हाइट एच इज हाइट दिस इज नॉट एंड दिस इज एच एच मीन्स हाइट ऑफ द ट्री ठीक है तो हाइट ऑफ द ट्री मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इस नोट रूट नोट से लेकर के सबसे लॉन्गेस्ट लीफ नोट तक तो आप देखो कि ये सारे लीफ नोट सेम लेवल पे तो कहीं भी चले जाओ वन टू थ्री हाइट आपकी क्या है हाइट आ गई थ्री ओके हाइट इज थ्री तो इस फॉर्मूले में अगर इसे पुट करो तो टू थ्री पावर थ्री माइनस वन विच इज सेवन तो आपको आंसर मिल गया बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि ये इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा लेट्स से ये गायब हो गया क्योंकि ये स्टिल एक कंप्लीट बाइंडरी ट्री है बट अब ये फार्मूला फिजिबल uh, नहीं है अब ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो कैसे देखो बड़ा सिंपल है आप सिंपल इस सप्ट्री में आ जाओ ठीक है हम इस सप्ट्री में आ गए अब इसकी हाइट तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो ना क्योंकि ये देखो ये खुद में कंप्लीटली फिल्ड है तो यहाँ पे हमारी हाइट है वन एंड टू सो आई कैन से टू टू दावर टू माइनस वन विच इज थ्री तो हमें पता चल गया यहाँ पे तीन नोड्स हैं इंटरेस्टिंग राइट right? तो मुझे अब इसके लिए फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड मूव अहेड एंड इस पार्ट का क्या इसे हम रिकर्सिवली सॉल्व कर लेंगे ओके ट्राई टू ड्राई रन मतलब आपको में समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा सो मैं रूट नोट पे आया मैं रूट पे आ गया अब सिंपल मुझे क्या बताना है क्या अगर ये ट्री कंप्लीट है तो आंसर सिंपल होने वाला है टू डू द पावर एज माइनस वन बट हाउ टू नो ये पूरी तरीके से फिल्ड है बहुत सिंपल है कंप्लीट बाइंड ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि सारे लेवल फिल्ड होंगे और लास्ट लेवल लेफ्ट से शुरू होगा फिल होना ठीक है यानी कि हम ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इन दो नोट्स को हटा भी दिया जाए ठीक है अगर इन दो नोट्स को हटा भी दिया जाए और यहाँ पे एक डमी नोड हो जो भी नंबर था मुझे नहीं याद क्या नंबर था तो अगर इस रूट नोड पे एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट नोड का लेवल लेवल सेम है दैट मीनस वी कैन से कि इनके बीच वाली नोड्स डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि इन्हें लेफ्ट साइड से भरा गया है जब फर्स्ट भी है और एक्सट्रीम राइट right भी है इसका मतलब बीच वाले तो होंगे ही होंगे तभी ये वाली नोड एग्जिस्ट कर रही है ठीक है सो आई कैन यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू चेक कि क्या मैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूले से काम चला सकता हूँ अगर नहीं चला सकता तो फिर मैं रिकर्सिवली से सॉल्व करूंगा ठीक है अब चलते हैं अपने वाले एक्चुअल एग्जाम्पल पे उससे समझते हैं सो ड्राई रन करते हैं बड़ी सिंपल दो कंडीशन होने वाली है पहले मैं चेक करूँगा क्या ये कंप्लीट ट्री है वो कैसे मैं आ, दो काउंट बनाऊंगा मैं काउंट बनाऊंगा लेफ्ट काउंट एंड राइट काउंट ठीक है एंड इन दोनों को वन से इनिशियलाइज कर दिया वन क्यों इस खुद की नोट के लिए अब मैं इसे एक्सट्रीम लेफ्ट भेजता जाऊंगा यानी कि इसका कोई लेफ्ट है तो वहां चले जाओ जाते ही प्लस वन ठीक है इसका कोई और लेफ्ट है हाँ जी प्लस वन क्या इसका कोई और लेफ्ट है नहीं अब कोई बात नहीं राइट right पे चलते हैं तो मैं यहाँ पे गया प्लस वन अगली जंप मारी कोई नहीं है तो बस इतने भी रुक जाना है अब आप देखो थ्री एंड टू आर नॉट इक्वल यानी कि लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सेम नंबर ऑफ नोड्स नहीं है उन दोनों लेवल पे इसका क्या मतलब है कि बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है बीच यू कैन ऑब्वियसली सी ही तभी ये थ्री नहीं आया वरना ये थ्री हो जाता तब तो सिंपल था फॉर्मूला लगाओ खत्म करो तो हम इस वाली नोट के लिए कैसे करेंगे हम इस वाली नोट के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो वट वी विल से इस कि ठीक है भाई अब हम यहाँ पे रिकर्चन कॉल लगाएंगे हम कहेंगे वन प्लस लेफ्ट सब ट्री

तो मेरी यहाँ पे हाइट सेम है तो यहाँ मुझे फर्दर रिकर्जन कॉल्स की जरूरत नहीं है मैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा टू टू दी पावर एच माइनस वन एंड वॉट इज एच वॉट इज दी हाइट टू ठीक है दोनों में से कोई भी ले लो दोनों हाइट ही इस समय सो टू की पावर टू माइनस वन टू तो टू की पावर टू इज फोर फोर माइनस वन इज थ्री तो आपकी ये जो लेफ्ट हाइट इसका आंसर थ्री मिल गया अब अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है वापस आ गए हम यहाँ से रिटर्न करके इसने कहा ये ले भाई थ्री अब राइट हाइट की बारी है तो लेट्स मूव ऑन टू दी राइट ठीक है नाउ दिस इज द न्यू सब ट्री फिर से इनिशलाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को तो एल इरेज इट ओके सो अब इस बंदे के लिए लेफ्ट हाइट क्या होगी वन पे इनिशलाइज किया था क्या एक और लेफ्ट है हाँ यार प्लस वन कर दो क्या एक और लेफ्ट है नो नॉट पॉसिबल ठीक है राइट हाइट निकालते हैं तो अब नॉट पॉसिबल राइट हाइट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल वन एंड टू आर नॉट मैचिंग तो ये कहेगा यार मेरे लिए भी रिकार्जेंट कॉल करनी पड़ेगी वन प्लस तुम्हारी लेफ्ट की हाइट प्लस तुम्हारी राइट की हाइट अब ये जाएगा अपनी लेफ्ट हाइट पे पहले लेफ्ट हाइट यानी इस साइड आ गया तो अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो अगेन वी कैन से कि हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट हाइट को वन एंड वन पे ओके सो दीज टू आर नाउ वन एंड वन अगेन ओके अब इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं तो रिटर्न हो जाओगे तो वन ही रह जाएगा क्या इसके राइट right में कुछ है अगेन कुछ नहीं रिटर्न कर जाओ वन ही रह जाएगा ओके तो नाउ वी कैन से कि हाँ भाई लेफ्ट एंड राइट हाइट आर स्टिल सेम तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ टू टू दावर एच माइनस वन अब वॉट इज एच हेयर हाइट हाइट कितनी है वन सो वी कैन से टू की पावर वन माइनस वन दैट इज अगेन वन तो लेफ्ट हाइट से वन रिटर्न आ गया ओके okay? जैसे ही आप इसकी राइट right पे मूव करोगे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा नल मिलेगा तो जैसे नल मिले रिटर्न जीरो ठीक है सो यू कैन से वन प्लस वन प्लस जीरो दैट इज टू सो यू कैन रिटर्न टू फ्रॉम हेयर प्लस टू तो ये थ्री प्लस टू इज फाइव प्लस वन इज सिक्स विच इज योर आंसर अब तुम बोलोग भैया इससे पहले तो सेवन आंसर आ रहा था अरे यार तब ये एक और नोट थी ना इसको मैंने उड़ा दिया ना समझाने के लिए ओके सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ वॉट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी लॉग एंड बेस टू का होल स्क्वायर क्या आप मुझे कोई कॉमेंट करके बता सकता है कि ये क्यों आ रहा है जस्ट टेक योर टाइम थिंक और थिंक मैंने तुम्हें आंसर बता दिया जस्ट थिंक कि ये कैसे आ रहा है दिमाग यूज करो अपना और कॉमेंट जरूर करना ओके ओके सो जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता देता हूं यार बड़ा सिंपल है आप क्या कर रहे हो आप हर लेवल पे जा रहे हो और चेक कर रहे हो कि क्या ये कंप्लीट है अगर है तो फॉर्मुलर लगा दो डायरेक्टली अगर नहीं है तो यू आर डीप डाइविंग एंड देन आप यहां पे सेम काम कर रहे हो बट आप ये काम हर नोड पे जाके नहीं करोगे आप हर लेवल पे जाके ये काम कर रहे हो होके आप हर लेवल पे जाके ये काम कर रहे हो सो वी कैन से कि इस नोड पे अगर आप हो तो हाइट निकालने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज लॉग इन बेस टू ठीक है और कितने के लिए निकालो जितनी एक्चुअल में हाइट है तो आप इंटू एन नहीं करोगे आप करोगे लॉग एन बेस टू इन टू लॉग एन बेस टू आप इतनी नोट्स के लिए हर बार हाइट निकालोगे दैट्स इट सो दिस इज योर आंसर ठीक है लॉग एन बेस टू होल स्क्वायर अब व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आप रिकर्जन स्टैक को कितना भर सकते हो जितनी आपकी हाइट है एक बार में दैट्स इट राइट सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉग ऑफ एन ठीक है लॉग ऑफ एन To so, चलो इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं ओके सो दिस इज आर फंक्शन वी नीड टू रिटर्न की काउंट क्या है तो बेस केस क्या है कि आपका रूट क्या हो जाए इक्वल्स हो जाए नल के देन सिंपल आपको रिटर्न जीरो कर देना है ठीक है रिटर्न जीरो अब अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास दो केसेस थे सबसे पहले चेक फ ऑल ऑल लेवल्स आर कंप्लीट कंप्लीटली फिल्ड ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इसकी लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट फाइंड करूंगा तो लेट मी राइट न्यू फंक्शन पब्लिक इंट फाइंड लेफ्ट हाइट ठीक है तो यहां पे हम ले लेते हैं नोड यहां ले लेते हैं रूट and then we use a count and count is equal to 1 while root dot left is not equal to null null hai, increase the count and do root is equal to root dot left okay and then finally we can return this uh, count Ab same karna padega right height so i'll just copy this copy and then

और हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करेंगे फाइंड लेफ्ट हाइट एंड वी कैन पास इन आवर नोड हेयर तो ये रहा मेरा रूट लेट्स पास आवर रूट हेयर ठीक है सिमिलरली विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट एंड दिस विल बी राइट राइट ओके यहाँ पे हम कर देंगे राइट right, लेफ्ट हाइट राइट हाइट दोनों मिल चुका है अब ये चेक वाला पार्ट कैसे करोगे सिंपल है इफ क्या दोनों हाइट सेम है दैट हम डायरेक्ट लगा के बच जाएंगे तो अगर लेफ्ट हाइट ठीक है इक्वल इक्वल है आपके राइट right हाइट की लेट्स चेंज इट टू राइट आर आई ची एस टी अगर लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट सेम है तो वी हैव टू रिटर्न अब मुझे यहाँ पावर निकालना है तो आई कैन से मैथ डॉट पावर टू टू पावर कितना लेफ्ट हाइड चाहे राइट हाइट जो भी ले लो ओके okay. या मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू भी सिखाया था निकालना तो अगर जिसको भी याद हो फटाक से कमेंट करना है कि पावर कैसे निकालते हैं टू की पावर कैसे निकालते हैं जब हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट किससे निकालते हैं पहले तो ये भी याद करो ओके जस्ट ट्राई टू आंसर दिस ओके एनीवे सो दिस इज डन ठीक है ये तो एक केस हो गया दूसरा केस क्या है कि अब मेरे पास कंप्लीटली फिल्ड नहीं है यानी कुछ बचा यानी कि आई हैव टू डीप डाइव कॉल्स तो सिंपल कर दो रिटर्न वन प्लस ठीक है मे का रिकर्जन कॉल टू दी लेफ्ट एंड मे का रिकर्जन कॉल टू राइट, दैट्स इट यहाँ पे मूव कर जाते हैं व्हील से रूट डॉट लेफ्ट चलो ठीक है प्लस सेम काम रूट डॉट राइट कॉपी पेस्ट एंड रूट डॉट राइट सेमी कोलन ग्रेट तो हमें ये चीज़ पता चल गई ओके okay. अच्छा ये मैथ डॉट पाव फंक्शन जो है आपका ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा तो और आपका जो मेन फंक्शन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है एंटी अच्छे स्टैटिक भी एक्सपेक्ट कर रहा है सो एनी स्टैटिक पे आता हूँ पहले तो यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है मैंने इम्प्लीसिटली कन्वर्ट कर दिया हमारे डबल को किस में इंटीजर में ये सारी चीज़ें मैंने जावा के बेसिक लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं ओके okay, अब वो स्टैटिक वाली चीज़ क्योंकि जिस फंक्शन से आप कॉल कर रहे हो वो स्टैटिक है ठीक है आप किसे कॉल लगा रहे हो आप कॉल लगा रहे हो इन दो फंक्शंस को तो ये नॉन स्टैटिक है तो इन्हें भी आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा ठीक है तभी कॉल जाएगी सो वी कैन बी स्टैटिक एंड देन दैट्स इट आई थिंक मम इसे अब हम रन करा सकते हैं सो लेट्स ट्राई टू रन इट होपफुली दिस शुड वर्क मुझे तो कुछ मिस्टेक नहीं दिख रही ग्रेट चल गया नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट ये भी वर्क कर जाना चाहिए तो यार ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था बट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन एंड ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चलना ही था सारी चल गए uh, या चल गया ओके ग्रेट सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज़ अगर आप देखो तो बिग ऑफ एन में आप इजीली इसे कर पाते बट इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था कि यार क्या तुम बिग ऑफ एन से बेटर कर सकते हो सो so, हाँ हमने लॉग इन बेस टू का होल स्क्वायर दे दिया लगाते रहो ठीक है वी जस्ट यूज अ सिंपल प्रॉपर्टी और हमारा काम कितना ईजी हो गया सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस यू शुड डू फॉलो अप क्वेश्चन ये सारे इंटरव्यू के फॉलो अप क्वेश्चन है आजकल अगर आप गूगल के इंटरव्यूज दे रहे हो इवन इंटर्नशिप वगैरह कहीं पे भी जा रहे हो सो देर इज अ जमाना ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके फॉलो अप पूछे जाएंगे सो दिस इज हाउ यू शुड आंसर इट ओके तो ये था आज की वीडियो में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी कई सारी वीडियोस और भी आने वाली तो इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करो बाय बाय एंड टेक केयर